अब खबर है चिमूर तहसील से, जहां बंद पड़े स्कूल की इमारत पर चोरों की नजर पड़ते ही उन्होंने वहां से वस्तुएं चंपत करना शुरू कर दिया। पुलिस में इसकी शिकायत भी दर्ज की गई है, जिसके बाद पुलिस इन चोरों पर किस प्रकार नकेल कसती है इसकी ओर सभी की निगाहें लगी हुई है। चिमूर परिसर के किस स्कूल का यह मामला है, आइए जानते हैं इस खबर में। चिमूर शहर के सबसे पुराने जिला परिषद की कन्या माध्यमिक विद्यालय विद्यार्थियों के अभाव में बंद पड़ी है। वहीं स्कूल के शिक्षकों को अन्य जगहों पर समाविष्ट किया गया है। स्कूल की इमारत इस समय जिला परिषद प्राथमिक स्कूल लड़कों की तरफ इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। बंद पड़े स्कूल की इमारत साथ ही जिला परिषद प्राथमिक केंद्र स्कूल लड़कों के इमारत के साहित्य तथा अन्य साहित्य पर छुटभैया चोरों की नजर पड़ी और रोज कुछ न कुछ यहां से चोरी होना शुरू हुआ। इसके पहले भी स्कूलों में चोरी होने की शिकायत दर्ज की गई थी और प्राथमिक स्कूल के ताले को भी तोड़ने का प्रयास किया गया था। चोरी की लिखित शिकायत मुख्याध्यापिका तथा स्कूल व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष श्रीहरि सातपुते ने चिमूर पुलिस स्टेशन को दी। शिकायत देने के बाद भी अभी तक इस संबंध में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है और इन छुटभैया चोरों पर पुलिस प्रशासन किस प्रकार नियंत्रण रखता है इसकी ओर नागरिकों का ध्यान लगा हुआ है। सीटीवी के लिए हमारे प्रतिनिधि बालू सातपुते की रिपोर्ट।